समय निकल जाए उससे पहले ये जरूर करे हर स्त्री को ये कहानी सुननी चाहिए सीधा साधा रहन सहन फैशन से कोसों दूर और उससे भी ज़्यादा उसका सरल और मिलनसार स्वभाव आज उसका फ़ोन आया था जानवी दरअसल उसकी शादी भरतपुर में हुई पर नौकरी के कारण स्थाई तौर तो पर वो जयपुर में रहती है जब समय मिलता है हम जी भर के गप्पे मारते हैं आज वो अपने पति बच्चों के बारे में सास ससुर के बारे में ढेर सारी बातें कर रही थी तभी मैंने पूछा नौकरी करती है या नहीं उस पर वो बोली पहले नौकरी करती थी पर अब नहीं मतलब समय ही नहीं मिलता घर के काम बच्चों का स्कूल ट्यूशन खाना बनाना घर की साफ़ सफाई सास ससुर का ध्यान रखना उनकी दवाई पानी सब समय से और नियम से देना ये सब करते करते खुद के लिए समय ही कहाँ मिलता है पतिदेव ऑफिस जाते हैं तो मैं घर का सब कुछ मैं ही देखती हूँ यह सुनकर मैंने कहा तो खाना बनाने के लिए किसी को रख ले तुझे उतनी ही मदद हो जाएगी और थोड़ा समय भी मिल जाएगा जानवी बोली नहीं नहीं घर के लोगों की पसंद नहीं आएगा उन्हें मेरे हाथ का ही खाना पसंद आता है सास ससुर के लिए तो कम नमक तेल का खाना बनाना होता है और किसी और से नहीं हो पाएगा मैं ठीक हूँ और उसने फ़ोन रख दिया मैं काफ़ी देर तक यही सोचे जा रही थी कि कितना बिजी कर लिया है इसने अपने आप को ऐसे में कैसे अपने लिए कब और कैसे समय निकालेगी निकालती होगी क्या पता उसके बाद काफ़ी दिन बीत गए जॉब के कारण ना मुझे समय मिला और ना उसका फ़ोन आया अचानक एक दिन उसका फ़ोन आया मैंने फ़ोन उठाया तो उसकी जगह उसका पति बोल रहा था उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई उसने बताया कि चार पांच दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है ये सुनकर मैं निशब्द हो गई ऐसा कैसे हो सकता है कल तक जो मेरे साथ बात कर रही थी वो आज इस दुनिया में ही नहीं है अगली सुबह मैं उसके घर गई वहाँ जाने पर पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था वैसे उसे माइग्रेन की शिकायत पहले से ही थी पर वो सिर दर्द को बड़े हल्के से लिया करती थी और इस बार तो उसने ध्यान ही नहीं दिया डॉक्टर को दिखाया तो पता चला लास्ट स्टेज थी तीन महीने अस्पताल में रही पर कुछ नहीं कर पाई आज वो हमारे बीच में नहीं है मुझे बुरा भी लग रहा था और पछतावा भी कि मैंने क्यों समय निकाल के उसे फ़ोन नहीं किया दो महीने बीत गए थे इस बात को एक दिन मन में आया कि जानवी के पति को फ़ोन किया उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन इसलिए भी किया क्योंकि उसके उनके सारे काम जानवी ही किया करती थी बड़ी मुश्किल होता होगा उनके लिए जानवी के बिना रहना मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया और पूछा कि कैसे हो उन्होंने जवाब दिया कि अभी वो क्रिकेट स्टेडियम में है यह सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई मैंने पूछा घर में सब कैसे मैनेज करते हो तो उसने कहा घर काम के लिए एक मेड रखी है बच्चों को संभालने के लिए फुल टाइम मेड रखी है और माँ बाप को देखभाल के लिए फुल टाइम नर्स रखी है सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है और उसे भी टाइम मिल जाता है मैंने थोड़ी सी बात करके फ़ोन रख दिया मुझे बड़ी हैरानी हुई जिस जानवी ने अपना पूरा जीवन घर काम और घर के सदस्यों के लिए बिता दिया आज वो न होने पर उसके पति ने हर काम के लिए मेड़ रख ली और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा है फिर इसमें जानवी की क्या गलती थी साथियों ये कहानी बताने का एक एक ही उद्देश्य था कि घर की स्त्रियों ने अपने घर के प्रति सभी जिम्मेदारियां निभानी ही चाहिए पर अपनी भी कीमत करना सीखो ख़ुद की भी इतनी ही केयर करो जितनी आप दूसरों की करते हो सभी काम मुझे ही करने हैं और मुझे ही आते हैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि आखिर में कोई किसी का नहीं होता खुद के लिए समय निकालो खुद को समय दो क्योंकि गया हुआ समय लौटकर नहीं आता और बाद में हमारे हाथों में भी कुछ नहीं बसता तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय